आइए सुनते हैं वसीयत के संदर्भ में मार्गदर्शन देने वाली एक प्यारी घटना। एक बुजुर्ग दादाजी संबोधि धाम जोधपुर आए। उन्होंने गुरुदेव श्री ललित प्रभु जी और गुरुदेव श्री चंद प्रभु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने पूछा कि मेरे 3 बेटे हैं और मैं उनमें अपने धन का बंटवारा करना चाहता हूँ और साथ में वसीयत भी लिखना चाहता हूँ, मुझे इस संदर्भ में आप कुछ मार्गदर्शन देने की कृपा करें। गुरुदेव श्री चंद प्रभु जी ने कहा, अगर आपके 3 बेटे हैं तो आप अपनी संपत्ति के 4 हिस्से कीजिए। दादाजी ने पूछा, क्यों 3 बेटे हैं, 4 हिस्से करने की क्या जरूरत? गुरुजी ने कहा, 3 हिस्से तो बेटों के लिए और 1 हिस्सा आपके खुद के लिए, आपकी पत्नी के लिए। उन्होंने पूछा, क्यों? गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास माल रहेगा तो बच्चे आपके बुढ़ापे तक काम आते रहेंगे, अंतिम सांस तक काम आते रहेंगे, और आपके पास माल नहीं होगा तो शादी होते ही फुर हो जाएंगे। फिर दादाजी ने पूछा कि जब हम स्वर्ग सिधारने वाले हों तो फिर उस चौथे हिस्से का क्या करेंगे? तो फिर गुरुजी ने कहा, उस चौथे हिस्से में आधा हिस्सा संतानों को दे दीजिएगा पर आधा हिस्सा ईश्वर और इंसानियत के नाम लगा के चले जाइएगा। केवल बच्चों को दे करके जाओगे तो मरने के बाद याद रखने वाले केवल 2 लोग होंगे, पर ईश्वर और इंसानियत के नाम करके चले जाओगे तो पूरा गांव आपको याद रखेगा। दादाजी ने कहा, ठीक है, मुझे वसीयत किस तरह से लिखनी चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, नंबर 1, आपके जीवन के जो भी उपकारी है, छोटे से लेकर बड़े तक, सबके प्रति नंबर 1 कृतज्ञता ज्ञापित करना, नंबर 2 अपने नेत्रदान की घोषणा करके जाना, और नंबर 3 अपने हिस्से का 4 भाग में विभाजित करके कुछ हिस्सा संतानों के नाम और कुछ हिस्सा परमात्मा के नाम, परोपकार के नाम लगा के जाना, और अंतिम अपने बच्चों को जीवन भर के अनुभव और संस्कारों की वसीयत भी साथ में दे करके जाना। कहीं ऐसा ना हो कि उनके संपत्ति हाथ तो लग जाए पर संस्कार उनके हाथ से छिटक जाए। याद रखना, जो अपने बच्चों को केवल वसीयत में संपत्ति देते हैं वे मध्यम माता पिता होते हैं, पर जो अपने बच्चों को वसीयत में संपत्ति के साथ साथ संस्कार और अनुभवों की पूंजी भी देकर के जाते हैं वही महान माता पिता कहलाते हैं।